भारत और चीन के बजट होटल की सुविधाएं देने वाली कंपनी ओयो होटल्स ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसे पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जानकारी के अनुसार ओयो ने चीन में करीब 12,000 कर्मचारियों में से 5% को नौकरी से निकाल दिया है। दूसरी ओर भारत में भी 10,000 कर्मचारियों में से 12% कर्मचारियों की छटनी हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में करीब 1200 और कर्मचारियों को बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि ओयो में पिछले काफी समय से ऐसे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है जो अपने काम में कुशल नहीं है। जिन विभागों में कर्मचारियों को निकाला गया है उनमें सेल्स, सप्लाई और ऑपरेशन शामिल है। खबर के अनुसार जिन लोगों को निकाला गया है उनकी जगह कंपनी और किसी को भी रखना नहीं चाहती है। फिलहाल कंपनी उन कर्मचारियों को नौकरी पर रखी हुई है जिनको अपने काम की अच्छी रेटिंग मिली हुई हो। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि ओयो के कई वर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर तकनीक का विस्तार हो रहा है और वहां पर लोगों की ज़रूरत नहीं है। सेल्स टीम में शामिल कुछ लोगों को ग्राहक सेवा टीम या फिर बिजनेस डेवलपमेंट टीम में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग भी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।